वेलकम बैक टू कैसे हो आप सब आज के वीडियो में बात करेंगे कि इस क्लासिक अ गुड टूरर तो इसमें दो केसेस है फर्स्ट कि अगर ये आपकी पहली बाइक है और आपको सिटी में भी चलाना है और कभी कभार आप टूर पे जाओगे लेट्स से दो तीन महीने में एक बार एंड देन सेकेंड अगर आपके पास एक टू व्हीलर ऑलरेडी है फॉर एग्जाम्पल एक स्कूटी हो गया एक छोटी सी सी की बाइक एंड आप एक सेकेंडरी बाइक देख रहे हो जिससे आप सिर्फ टूरिंग करोगे तो उस केस में कैसा ही है ये अच्छे से डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले सिटी एक्सपीरियंस की बात करते हैं इसका जो क्लच है ना ये ऐसे तो ठीक है हाईवे में भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है जब इसका आप यूज ज़्यादा करते हो तो ये बहुत हार्ड हो जाता है एंड आपके हाथों में वो फील होगा ये एक पॉइंट है जो आप कंसिडर कर सकते हो सेकेंड बाइक इज़ वन नाइन्टी लेकिन वो फील होता नहीं है मनोवर करना भी ईजी है और अगर हीटिंग की बात करें तो हीटिंग भी ऐस सच नहीं है हाँ अगर आप शॉर्ट्स पहन के जाओगे जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा तो आपको थोड़ी बहुत लग सकती है और सिटी के बाद आप बात करते हैं हिल्स की अगर तो हिल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी ऑल्टीट्यूड में आप चले जाओ आपको फ़ील नहीं होगा कि इसमें पावर की कमी है एस सच थिंग्स क्योंकि मैं इसको हिल्स पे ले गया हूँ हाई अल्टीट्यूड पे भी लेके गया हूँ लाइक बुमला पंद्रह हज़ार दो सौ फीट जीरो पॉइंट सोलह हज़ार फिट कोई दिक्कत नहीं होता और काफ़ी स्मूथ चलती है अब हाईवेज की अगर बात करें तो हाईवे में इसकी कंफर्टेबल स्पीड होगी 80 हाँ किसी किसी पैच में 80, 90, 100 आपने किया इट्स गुड बट उसको आप ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे एंड वो कंफर्टेबल भी नहीं होगा बिकॉज एट्टी के ऊपर ना आपको नोटिसबल वाइब्रेशन दिखते हैं एंड वो आपको हाथों में पैरों में 100 110 पे सीट में भी फील होता है तो अब बात करते हैं सेकंड कि ये सिर्फ आपको टूरिंग के लिए चाहिए तो टूरिंग आप इस पर कर सकते हो मैं कर ही रहा हूँ इतने टाइम से एक एक दिन में 800-900 किलोमीटर भी किया है तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो टूरिंग में अगर आपको लंबे समय तक बाइक चलाना है तो आपको चाहिए कम्फर्ट और कम्फ़र्ट कैसे मिलता है एक वाइब्रेशन फ्री एक्सपीरियंस है एंड जैसा मैंने बताया अस्सी तक इसमें कोई वाइब्रेशन ऐस नहीं है अगर आप इसे 80 पे मेंटेन कर रहे हो पूरा दिन आप चलाओ कोई इश्यू नहीं मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि जब मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में था तो मैं इसे 100 पे होल्ड करके रख रहा था तो उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि पूरे बॉडी में वाइब्रेशन आ रहे हैं बाइक के थ्रू मुझ पर एंड उस टाइम मैंने सीट पर वाइब्रेशन फील किया लेकिन वही हाईवे में इसका एक यही एक लिमिटेशन है कि अस्सी उसके ऊपर वाइब्रेशन तो इंजन के बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर टूरिंग इज सस्पेंशन जो आपको कंफर्ट देगा तो हाईवेज़ पे तो बहुत स्टेबल है बट अच्छे रास्तों के साथ साथ आपको बीच में खराब रास्ते भी मिलेंगे और उन पर कैसा परफॉर्मेंस है इसका वो मैटर करता है तो ऑफ रोड ही ठीक ठाक ले लेता है और ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी अच्छा है बट अगर आप इसे कंपेयर करने बैठो एंड है अगर कोई नई बाइक लेता है तो वो कंपेयर जरूर करता है तो उस केस में आपको इससे बेटर ऑप्शन मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हाइनेस और आर एस तो सेम है और उनका इससे सिमिलर ही है बट सी बी जो है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है उसका सस्पेंशन मुझे हल्का सा इससे बेटर लगा उससे ऊपर अगर हिमालयन की बात करें तो दैट्स वे बेटर देन क्लासिक और उसी के साथ प्राइस भी उसका ज़्यादा है इससे तो इन जनरल अगर सस्पेंशन का बताऊँ तो काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया है ऐसा कि हाईवेज पर भी बहुत स्टेबल फील होता है एंड जो खराब रास्ते हैं ऑफ रोड है हल्का फुल्का तो उसमें काफ़ी सॉफ्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी बम्प्स है तो इन दैट केस आल्सो इट्स गुड एंड वही स्टेबिलिटी तो मैंने बताया स्टेबिलिटी से और एक चीज़ है कि ये जो एलॉयज़ है ना एनी डे एनी डे स्पोक से ज़्यादा स्टेबल है और हाँ मतलब स्पोक के अलग फ़ायदे हैं एलॉयज़ के अलग फायदे हैं उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो उसके इसमें इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो जो स्टेल्थ वाले एडिशन कलर्स है आ, स्टेल्थ ब्लैक गन मेटल ग्रे तो उसमें एलॉयज ऑलरेडी आते हैं साथ में ट्यूबलेस टायर भी मिलेगा इसको कराने जाओगे तो फिर आप मेरा स्पोक और एलॉय वाला कंपेरिजन देखना उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है इस टॉपिक से डेविएट ना हो तो वापस आते हैं सस्पेंशन की बात हो गई इंजन की बात हो गई थर्ड इसके जो सीट्स है सीट इसकी वन ऑफ द बेस्ट है काफ़ी कंफर्टेबल है और मैं स्टॉक सीट की बात कर रहा हूँ कोई मॉडिफिकेशन नहीं कोई टूरिंग सीट नहीं ये एकदम स्टॉक है और ये बहुत कंफर्टेबल है तो अगेन फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस अगर शेयर करूँ तो जब मैं अयोध्या गया था तो उसमें डे वन फर्स्ट डे मैंने अराउंड एट फिफ्टी किलोमीटर चलाया था एंड देन सेकेंड एक्सप्रेस वे पे मैंने 200 किलोमीटर नॉनस्टॉप इसे चलाया उन दोनों केसेस में ना सीट से कोई दिक्कत नहीं आई एंड इससे इतना खुश था मैं कि रॉयल एनफील्ड के टूरिंग सीट पे भी मैंने स्विच नहीं किया मैंने ट्राई भी नहीं किया एक भी बार इनफैक्ट साथ में पिलियन कम्फर्ट की भी बात करूँ तो पिलियन कम्फर्ट भी सही है बट ये जो स्टॉक में ये जो लोहा है ना ये पीठ में लगता है इन केस ऑफ बम्स और एनीथिंग तो अगर आपके साथ एक पिलियन राइडर है परमानेंट पिलियन राइडर आपके साथ ट्रैवल करता ही है तो उस केस में आप वो एक बैक रेस्ट आता है ना वो लगा लेना तो उससे पूरा कंफर्टेबल वो भी होगा अब जो एडिशनल चीज़ें हैं टूरिंग के लिए वो बात करते हैं कि ये बाइक लगेज फ्रेंडली कितना है स्टॉक बाइक है कोई एस सच मॉडिफिकेशन मैंने लगेज के लिए नहीं किया है और इसी पे आप इजीली सैडल बैग्स भी लगा सकते हो टेल बैग्स भी लगा सकते हो बहुत सारे माउंटिंग पॉइंट्स है ये है इधर इधर इधर, इधर, इधर ये ग्रैब रेल इधर मतलब माउंटिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं तो कोई मॉडिफिकेशन की एस सच जरूरत नहीं है और जो मैं प्रेफर करता हूँ क्लॉबैग उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है चेक करना लॉन्ग राइड्स पे तो आप देखते ही हो उसका सेटअप कितना स्टडी है एंड एवरीथिंग लेकिन इसकी जो हेडलाइट है ना वो हेलोजन है तो उसका थ्रो उतना अच्छा नहीं है इसीलिए मैंने एडिशनली ये ऑक्सलाइट्स लगाए और इनका थ्रो अच्छा है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है और इन सब टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आपको क्योंकि ये जो वीडियो है जो आप ये अभी देख रहे हो दिस इज़ अ समराइज वीडियो कि ये बाइक मेरे एक्सपीरियंस में कैसा मुझे फ़ील हुआ एंड वही मैं शेयर कर रहा हूँ कि टूरिंग के लिए सिटी के लिए बाइक कैसी है और एक चीज़ बोलूँगा कि जो ये वीडियो देख रहा है उसके पास ऑलरेडी ये बाइक है उस केस में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना नीचे कमेंट में इससे जो नए बायर्स हैं उनको हेल्प होगा टूरिंग मिरर्स आते हैं बट ये भी सही है स्टॉक वाले और आप इस पर एक विंड स्क्रीन भी लगा सकते हो एंड येस yes, विंडस्क्रीन हेल्प करता है विंड ब्लास्ट आपको उतना नहीं लगेगा एंड सेकंड कि आपको वो फील भी नहीं होगा कि आप इतने हाई स्पीड पर हो जितना आपको नेकेड बाइक चला के लगता है आपके पूरे छाती पर आता है बट अगर आपका एक बजट है 2.5 पॉइंट का स्ट्रिक्ट बजट है दो से ढाई लाख रुपए का तो क्लासिक ही नहीं आपके पास और भी ऑप्शंस है और मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ क्या क्या है अच्छा बुरा वो आप डिसाइड करना सबसे पहला होगा इसका जो स्ट्रेट अवे हेड ऑन कंपेरिजन है वो है सी बी थ्री फिफ्टी दैट्स अ रियली गुड बाइक कंपेरिजन मिलेगा आपको मेरे चैनल पर सेकेंड अगर रॉयल इन्फील्ड में ही अगर आपको लेना है तो आपके पास तीन ऑप्शन है थ्री फिफ्टी में मीटियोर बुलेट एंड हंटर इन तीनों पे सेपरेट कम्पेरिजन क्लासिक के साथ ये भी चैनल पे आए आप देख सकते हो और अगर दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो सुजुकी की वी स्टॉम टू वो थोड़ा आपको एडवेंचर स्टाइल में मिलेगा तो दैट्स तो अ प्रॉपर टूरर फिर हसवरना 250 फिफ्टी नेकेड बाइक है हाँ और एक अच्छी बाइक है इनफैक्ट दो अच्छी बाइक है हीरो मेवरिक और हार्ले डेविडसन एक्स फोर बट इन सारे बाइक्स को जिनका नाम मैंने लिया अलग अलग कंडीशन में सिटी में चलाओ हाईवे में चलाओ अगर एक डीलरशिप नहीं देता दूसरे डीलरशिप पे जाओ लेकिन लेने से पहले अगर आपको डाउट है तो अच्छे से दो बार तीन बार चलाओ और उसके बाद डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सी बेटर है जो फर्स्ट दो केस मैंने बताए थे कि अगर आपकी पहली बाइक होगी सेकेंड आपके पास एक डेली ड्राइवर ऑलरेडी है तो यही था इस वीडियो का मेन डिस्कशन का पॉइंट कि इज क्लासिक अ गुड टूरर अगर आपको इस पर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना बाकी जो नए व्यूअर्स हैं चैनल पे आए हैं कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना और जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं उनको ये बता दूँ कि सिक्किम राइड से आए काफ़ी दिन हो गया लगभग पंद्रह बीस दिन हो गया है एंड अब प्लान कर रहा हूँ और एक नए राइड का तो वो भी बहुत जल्द होगा सो स्टे ट्यून्ड बाकी यही था इस वीडियो के लिए कैसा लगा कमेंट्स में बताना अच्छा लगा लाइक करना चैनल पे पर तो डू सब्सक्राइब एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको हेल्प हो सकता है तो उसके साथ शेयर करना Baki, I'll see you in the next one. Take care. Bye-bye.